सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। मेरे हीरो आप हो। विजय सर की लड़ाई उनके सबसे बड़े फैंस है। अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे सेल्फी के 17वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और पठान के 47वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे दोनों फिल्मों के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं सेल्फी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 2,55,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 10,17,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 14,23,00,000 का और अपने दूसरे हफ्ते में 2,32,00,000 का नेट कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 15वें दिन में 7,00,000 का और अपने 16वें दिन में यानी शनिवार के दिन में लगभग 9,00,000 का कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 16 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 16,71,00,000 हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 20,30,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 3,52,00,000 का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 16 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 23,82,00,000 हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 72 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर हो चुकी है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 17वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 17वें दिन में इंडिया में लगभग 11 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन ने पहले दिन में 19 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, और मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद भी सेल्फी अब तक फैन के पहले दिन के कलेक्शन को क्रॉस तक नहीं कर पाई है, यानी सेल्फी का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन भी फैन के पहले दिन के कलेक्शन से कम होगा। अब जानते पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 57,40,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले एक्सटेंडेड वीकेंड में 281,78,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 364,65,00,000 का, दूसरे हफ्ते में 94,27,00,000 का, तीसरे हफ्ते में 46,25,00,000 का, चौथे हफ्ते में 14,18,00,000 का, पांचवें हफ्ते में 8,57,00,000 का और अपने छठवें हफ्ते में 8,93,00,000 का नेट कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 45वें दिन में 34,00,000 का और अपने 46वें दिन में यानी शनिवार के दिन में लगभग 42,00,000 का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 46 दिनों को टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 518,64,00,000 हो चुका है, तो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 537,61,00,000 हो चुका है और टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 647,80,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 392 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 46 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1,39,80,00,000 हो चुका है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी हो चुकी है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 47वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 47वें दिन में इंडिया में लगभग 60,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। पठान को बॉक्स ऑफिस में 40 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद इस फिल्म के कलेक्शन सेल्फी से ज्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।